Assalamualaikum my YouTube family and friends, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में मज़े में होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे। आजकल जो मौसम कभी बारिश होने लग जाती है, कभी जो है कहते हैं सूरज छुप जाता है, बिल्कुल अच्छा मौसम हो रहा है कराची का आजकल। चलिए जी, मैं लेके आ गई हूँ एक और रेसिपी, बड़ी ही मज़ेदार और आसान। वैसे मैं ये पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये मैं एक और तरीके से बनाती होती हूँ। तो आज बेसिकली मैं क्या बना रही हूँ, राजमा चावल, मतलब कि ब्रेड लोबिया विद वाइट राइस। तो पहले ये रेसिपी मैं एक दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, लेकिन ये मैं थोड़े डिफरेंट स्टाइल से बनाऊँगी। अच्छा, सबसे पहले जिन लोगों ने मुझे अभी ज्वाइन किया है, वो लोग अगर सब्सक्राइब मेरा चैनल नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही हैं मुझे बताएं, और मैं कौन सी रेसिपी लेके आऊं, और मुझे ज़रूर सजेस्ट करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ गाइस, प्लीज़ गाइस। अच्छा जी, तो ये भी रेड बीन्स हैं, लेकिन जो पहले मैंने जो रेसिपी जो शेयर करी थी वो बहुत ज़्यादा रेड थे। ये जब मैं लेने गई तो मुझे शॉप वाले ने कहा कि ये थोड़े से लाइक देसी टाइप के लाल लोबिया है, अब पता नहीं। तो इसका कलर देखें, बिल्कुल रेड टाइप का नहीं है, थोड़ा सा ऐसे क्या कहेंगे इसको, थोड़ा सा पीचिश टाइप का है, और इसके ऊपर ऐसे दाने दाने बने हुए। चुप कर जाओ। अच्छा, सबसे पहले मैंने ये ले लिया है, तकरीबन ये आधा किलो के करीब है, और ये मैंने भिगो के रख दिया था रात को, पूरी रात ये भिगोया रहा है। अभी मैंने इसको पानी जो है गिरा दिया, इसका धो लिया अच्छी तरह से, और मैंने यहाँ पे रख लिया है। अच्छा, इसको मैंने देचकी में ही डाल लिया है, डब्बे में से डायरेक्ट मैंने देचकी में इसको स्टेन करके डाल लिया था धो के। और यहाँ मैंने ले लिया है छोटे छोटे, मेरे पास टमाटर थे तो मैंने दो ले लिए हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च साबुत गोल वाली ले ली है, क्योंकि मैंने इसमें ब्लैक पेपर डालना है, मैंने इसमें रेड कुटी हुई पिसी भी नहीं डालनी मिर्च। और इसमें मैंने प्याज ले लिया, यहाँ पर एक बड़ा है तो एक ले लें, अगर छोटे हैं तो दो छोटे छोटे साइज़ के ले लें। यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन ले लिया है साबुत, और बस मैं इसमें हल्दी डालूंगी और नमक डालूंगी, फिर जब मैं इसको भूनूंगी तो फिर मैं इसमें काली मिर्च और दूसरे जो भी मैंने अगर मसाले ऐड करने हैं तो वो मैं बाद में डालूंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी नमक हसबे ज़रूरत, और फिर उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी जो कि मेरी बेटी ने अभी गिरा दी है, और ये देखें थोड़ी सी रह गई सारी गिरा दी मेरी बेटी ने। अच्छा, वाटर डाल लेती हूँ, आपको पता है कि कुकर के बगैर, मेरा कुकर ख़राब हुआ है तो कुकर के बगैर ये बहुत टाइम लेता है। मैं टमाटर डाल रही हूँ, तो इसको मैंने पानी डाल दिया है, अब इसको मैं हल्की आँच पर बॉईल के बाद गलने के लिए रख दूँगी। ये मैंने इसमें डाल दिए हैं प्याज। अच्छा, इसको मैंने ना मतलब एक जो मैंने पहले रेसिपी शेयर करी थी उसमें मैंने पहले लोबिया को बॉईल किया था और फिर उसके बाद मसाला बना के लोबिया डाला था, लेकिन जो ये रेसिपी है ना जो मैं स्पेशली राइस के साथ बनाती हूँ, ये मैं इस तरह से बनाती हूँ कि इसमें हर चीज़ डाल देती हूँ, फिर जब ये गल जाता है और चीज़ें भी सारी ये गल जाती हैं, फिर मैं इनको अच्छी तरह से भून लेती हूँ और फिर इसमें वाटर डाल देती हूँ, और फिर ये बहुत मतलब मज़ेदार सा टेस्ट इसका बन जाता है। मुझे अलहदा से फिर इसको मसाला भूनना नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। और ये मैंने देखे ये रेड चिलीज़ डाल दी हैं, अगर आपको कश्मीरी चिलीज़ हैं तो बेस्ट है भाई, परफेक्ट है, वरना गोल मिर्च पाकिस्तानी जिंदाबाद। अच्छा, अब मैं इसमें ये हल्दी डालती हूँ, कैसे डालूँगी मैं एक हाथ से ऐसे ऐसे डाल देती हूँ, वैसे भी इसमें रह ही थोड़ी सी गई है। चलिए, ये मैंने डाल दिया, थोड़ा सा मैं बिल्कुल कुकिंग ऑयल डालूँगी ऐसे दो तीन चमचे, थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे टेस्ट के लिए, बाद में भूनते वक्त बकाया डालूँगी। चलिए जी, अब मैं रख दूँगी इसको चूल्हे पर। ये मैंने तेज़ कर दी है फ्लेम, जब ये इसका बॉईल आएगा तो मैं इसको आहिस्ता करके कवर करके रख दूँगी। अभी फ़िलहाल मैं ऐसे दे रही हूँ इसको, जब इसका बॉईल आ जाएगा तो फिर मैं इसको, ये देखिए मैंने इतनी कर दी है बस। अब आपने इसको गलने तक और इसका पानी ड्राई होने तक आपने इसको जो है दरमियानी आँच पे मीडियम फ्लेम पे रख देना है, जब ये गल जाए तो इसको भून लेना है अच्छे तरीके से।
मेरे बीन्स ओके रेडी हैं बिल्कुल। अब मैं इनको भून लूँगी। बहुत टाइम लगाया इन्होंने गलने में, क्योंकि मेरे पास कुकर नहीं है, कुकर की रबड़ ख़राब है, तो इसलिए ये देचकी में बहुत टाइम लेते हैं, 2 से 3 4 घंटे तो लेते ही लेते हैं। अभी मैं इसको भूनूंगी और इसमें मैं ब्लैक पेपर डालूंगी और मसाला डालूंगी, गरम मसाला मैं ले आती हूँ, चूल्हा बाद में मैं ऑन करूँगी, मेरा मोबाइल हीटअप हो जाता है, तो मैं पहले सारी इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल लूँगी, फिर मैं इसको भून लूँगी अच्छे तरीके से और फिर उसमें पानी थोड़ा सा डाल दूँगी जितना आपको ग्रेवी चाहिए। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा ऑयल कम ही डालूँगी, तो ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा डाला था पहले और अभी मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है, नज़र भी नहीं आ रहा है, नज़र क्यों नहीं आ रहा, चलें ऐसे तो नज़र आ रहा है ना, थोड़ा सा ऑयल डाला है मैंने इसमें और ये मैंने डाल दिया है इसमें ब्लैक पेपर। आई है कोई चीज़ नज़र क्यों नहीं आ रही है, आई थिंक आई हैव टू, यस आई है, अब आई थिंक नज़र आएगा, नहीं लाइट्स का डायरेक्शन, चूल्हे का डायरेक्शन बड़ा ही ख़राब है। अच्छा, ये मैंने ब्लैक पेपर जो है ये मैं डाल दिया है, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, और साथ में मैं डाल दूंगी गरम मसाला तकरीबन 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून मैं कर लूंगी मिक्स, और अभी मैं इसमें कर दूंगी इसका फ्लेम ऑन। अच्छा, जो रेड मैंने गोल्ड मिर्चें जो इसमें डाली थी वो देखे ऐसे हैं, ऐसे हैं वो मतलब मिक्सअप नहीं हुई हैं, तो इसलिए इतनी ज़्यादा मिर्चें नहीं होंगी, मैंने बस इसको थोड़ा सा भूनना है और फिर उसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूंगी और जितना मतलब मुझे ग्रेवी बनानी है, और फिर मैं इसको 10-15 मिनट 10 मिनट और इसको मैं पका के, और बस इसमें मैं धनिया और हरी मिर्च डाल लेंगे। अच्छा, अब पहले मैं इसका चावल बॉईल कर रही थी, क्योंकि राजमा चावल मतलब बेस्ट कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल से, अगर आपने रेड बीन्स बनाए तो उसके साथ आप ज़रूर राइस खाएं, बहुत मज़े की कॉम्बिनेशन है और बहुत मज़ा आता है खाते वक्त। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं राइस नहीं बना रही हूँ, मैं इसके साथ चपाती ही बनाऊँगी, क्योंकि राइस मैं कल बनाऊँगी और आज मैं इसके साथ चपाती ही बनाऊँगी। और ये मेरी बीन्स अच्छे से गल गए, लेकिन इन्होंने मुझे बहुत तंग किया है लिटरली। अगर आपके पास कुकर नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको मतलब जब भी आपने जिस वक्त भी खाना खाना है आप उसे 4-5 घंटे पहले इसको पकाने के लिए रखें, क्योंकि ये बहुत टाइम लेते हैं गलने में, और अभी भी स्टिल ये मतलब बहुत वैसे ही नहीं गले जैसे मैंने इसको गलाना था, तो अभी भी गल गए हैं प्रॉपर, लेकिन मतलब वैसे ही बिल्कुल जैसे थोड़े से गुशु मुशु हो जाते हैं वैसे ही नहीं हुए हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जिन लोगों ने बीन्स बनाने हैं बग़ैर कुकर के, वो लोग कम अज़ कम इनको 3 से 4 घंटे चाहिए होंगे, इन्होंने 3 से 4 घंटे लिए हैं आज इनको गलते वक्त, और ये बहुत मुश्किल से गले हैं, लेकिन शुक्र है गल गए हैं। अब मैं इनको भून लूँगी और फिर भून के मैं इसमें पानी डालूँगी। ये हो गया है तैयार, मैंने थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि अब हम लोग खा रहे हैं इसको रोटी के साथ, तो ग्रेवी बहुत ज़्यादा नहीं मैंने की, मैंने बिल्कुल भूनने के बाद थोड़ा सा पानी डाला बिल्कुल गरम करके, अगर आपने ज़्यादा ग्रेवी बनानी तो गरम करके पानी प्लीज़ ऐड करिएगा। मज़ेदार सी रेसिपी तैयार है और ये आप बनाएं सीरियसली उंगलियां चाटते रह जाएंगे आप लोग लिटरली। ये बिल्कुल मेरा हो गया है तैयार, मैंने अपना जो फ्लेम है बंद कर दिया और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। हर ये मेरे कैमरे में वो कलर नहीं आ रहा है जो भी मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन ये बहुत टेस्टी, आप लोग बनाइएगा, ट्राई करिएगा और एंजॉय करिएगा मेरी रेसिपीज़ को। प्लीज़ लाइक करें, बनाएं, बना के देखें, बहुत मज़ेदार बनती हैं और इजी सी सिंपल से तरीके से मैं बनाती हूँ ताकि आप लोगों का टाइम भी बच जाए, लेकिन ये रेसिपी बनाते वक्त आप लोगों का टाइम बिल्कुल नहीं बचने वाला क्योंकि मतलब पूरे 4-5 घंटे से मुझे तंग किया है, गले में लगा दिए हैं, 3 घंटे तो पक्का लगाए हैं, तो इसलिए कुकर में बनाएं तो ज़्यादा बेटर है, वैसे ये बहुत मज़ेदार बनती है। थैंक यू सो मच, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, मुझे बताएं मैं कैसा काम कर रही हूँ, आप लोगों को मतलब
जो भी वीडियोस भी मैं बना रही हूँ या रेसिपीज़ बना रही हूँ, आप लोगों को अच्छी लग रही है, आप लोग ट्राई कर रहे हो या नहीं ट्राई कर रहे हो मुझे लाजमी बताएं। तो अब हम खाते हैं थोड़ा सा मैंगो। यहाँ मैंने काट के रखा था, ये देखिए ये है मैंगो। हम कर रहे हैं इंजॉय मैंगो को, और लोग करें इंजॉय मेरी रेसिपीज़ को, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ व्यू, ये देखिए मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और इन्जॉय करते हैं मैंगो, वेरी यमी एंड नाइस मैंगो। वेरी यमी, इट्स वेरी वेरी यमी एंड वेरी वेरी स्वीट। इन्जॉय करें और मेरी रेसिपीज़ का मुझे फीडबैक दें कैसी बन रही है मेरी रेसिपीज़, और आप लोगों को अच्छी लग रही है या नहीं अच्छी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।